आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज अवाना ने नोएडा सेक्टर 21, 25 और 26 में डोर टू डोर कैंपेन किया। वहां के लोगों से घर घर जाकर वोट मांगे और साथ ही झाड़ू पर वोट देने के लिए कहा। प्रत्याशी पंकज अवाना ने कहा कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश को भी अच्छी चिकित्सा, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे विद्यालय बनाए जाएंगे और साथ ही नोएडा को भी फ्री होल्ड बनाने की जरूरत है। साथ ही दिल्ली की तरह हम उत्तर प्रदेश को भी 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देंगे और अच्छा विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पहली बार चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे जो मुद्दे हैं विकास के मुद्दे हैं, दिल्ली मॉडल है हमारे पास, जीता जागता सबूत जनता के सामने। दिल्ली में जो हमने वादे किए वो पूर्ण रूप से हमने पूरे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो या महिलाओं की लिए बस की यात्रा, बिजली मुफ्त, बहुत सारे जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादे दिल्ली में किए वो पूर्ण रूप से हमने पूरे किए। उन्हीं मुद्दों के साथ हम उत्तर प्रदेश में चुनाव रण में हैं और उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ है। उन्हें माननीय केजरीवाल जी पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो किन मुद्दों पे आप विकास करेंगे? देखिए नोएडा के अंदर अगर हम बात करें तो अभी ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे हाईटेक सिटी मानी जाती है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कोई काम नहीं। मैं लगातार गाँव के दौरे कर रहा हूँ, मैं शहरों में जा रहा हूँ, जो ये दावे करते हैं कि हमने विकास किया है, ऐसा इन्होंने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ इन्होंने जुमलाबाजी की, लोगों का पागल बनाया, बेवकूफ बनाया और जाति और धर्म की इन लोगों ने राजनीति की। विकास की राजनीति तो एक ही पार्टी को करनी आती है, वो है आम आदमी पार्टी। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, अगर हमें जनता प्यार देती है, अपना आशीर्वाद देती है तो शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। नोएडा के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति आप देखिए, ना तो वहाँ पर कोई व्यवस्था है बैठने की बच्चों के लिए, ना कोई वहाँ पे स्टाफ है। चिकित्सा आप देख लीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद भी लोग मजबूर हैं प्राइवेट में अपना इलाज कराने, चाहे उन्हें अपने घर बेचना पड़ता है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं, ना तो डॉक्टर है, ना कोई दवाई है। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं। फ्लैट बायर्स का बहुत बड़ा एक इशू है नोएडा के अंदर। फ्लैट बायर्स जो घुमा फिर उन्होंने लोगों का पागल, आज वो चक्कर काट रहे हैं अपने घर के लिए लेकिन उनको नहीं मिल रहा। तो ये तमाम मुद्दे हैं। किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्या भी बहुत बड़ी नोएडा के अंदर है, उस पर भी हम काम करते हैं, जनता में मौका देते हैं। सभी मुद्दों पर हम बहुत तेजी से विकास करते हैं।